चाची। हाय मेरे मुन्ना, क्या हुआ? मुझ पर तो आतंकवादियों की तरह अत्याचार कर रही है वो। क्या किया उसने? ये पूछिए क्या नहीं कर रही है, सारे काम करवा रही है घर के। मेरी हालत तो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह हो गई है चाची। वो तुझसे घर के सारे काम करवा रही है? मैं इस घर की वॉशिंग मशीन, डिश क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर सब कुछ बन गया हूँ चाची। इन कामों के लिए नौकरानी मर गई है क्या? और क्या। सुन, तू बस अभी के अभी वापस आ जा। ठीक है, फोन रख रहा हूँ। बाय। गुड बाय। हेलो। हाँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तू क्या बोल रहा है? सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलना। हाँ हाँ, वहाँ पर ना। हाँ, मैं सोच रहा था कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझसे शादी करोगे? सुनो यार, मेरा हैंडसम है लड़की जो पटाली। यार मेरा हैंडसम है लड़की जो पटाली। पहली मुलाकात में ही बात अपनी बना ली। पहली मुलाकात में ही बात अपनी बना ली। सोचना क्या यार, अब तो शहनाई बजेगी, ढोल तशे कमर सबकी हिलेगी। सोचना क्या यार, अब तो शहनाई बजेगी, ढोल तशे कमर सबकी हिलेगी रे, कमर सबकी हिलेगी, कमर सबकी हिलेगी रे, कमर सबकी हिलेगी। ये जरूर ऑपोजिशन की कोई चाल है। अगर ये तुम में से किसी का कांड हुआ ना तो एक एक को बजा दूंगा। मुन्ना, जब भूखों को खाने का पैकेट मिलता है ना तो वो किसी से बांटते नहीं है, और तू तो लकी है कि तुझे उसने खुद प्रपोज किया। अबे मैं कोई ऋतिक रोशन हूँ जो यहाँ आते ही लड़कियाँ खुद आकर मुझे प्रपोज करने लगेंगी? हाँ, कुछ लड़कियों का ना टेस्ट खराब होता है, इसलिए उसने तुझे आके प्रपोज किया। हाँ, मुन्ना भाई शांत हो जाओ, तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो। क्या हुआ मुन्ना, तू अभी तक आया नहीं? चाची मैं आ ही रहा था, रास्ते में बुखार आ गया तो मैंने यू टर्न ले लिया। क्या कह रहे हैं तू, डॉक्टर के पास गया कि नहीं? दवाई शवाई ली? हाँ अभी एक डोज लिया। अच्छे डॉक्टर से ही दवाई लेना। एकदम A1 दवाई है चाची, मुझे लगता है मेरा बुखार सुबह तक उतर जाएगा। दवाई समय पर लेना। ठीक है चाची, ध्यान रखना अपना। हाँ मिलते हैं। यार कौन है वो लड़की? लड़की का नशा इस पे चढ़ गया, ये तड़पता रहेगा। लॉक, शी हैज लॉक्ड इट। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मेरे भैया, माय ब्रदर फ्रॉम सेम मदर। हेलो। अरे क्या हुआ रे? होना क्या था, एक पैक पिया था और अभी वापस आया हूँ तो दरवाजे पर लॉक लगा है, खुद अंदर मजे से सो रही है और मुझ बेचारे को बाहर खड़ा रखा है। चाबी भी नहीं है, दरवाजा खटखटाओ जोर से। आप अभी कॉल करो उसको, यू कॉल राइट नाउ, उसको बोलो भाई आया, दरवाजा खोल। भैया हाँ? मैं सेफली घर पहुंच गया हूँ, आप आराम से सो जाइए, ठीक है भैया? बाय भैया। थैंक्स मुन्ना। खुद को झांसी की रानी समझती है, इसकी एंट्री पे सबको डर जाना चाहिए।
घर की चाबी 8801670774 मेरा नंबर। तुम्हारी याददाश्त की मैंने काफी तारीफ सुनी है। काम करवाती है नौकरों का और एप्लीकेशन फॉर्म पुलिस का। इस एप्लीकेशन की तुम्हें जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। तू अब ये कचरा बाहर भी फेंक देना। शादी कर लो, इससे छुट्टी मिल जाएगी। अब तुम मुझे नया टेंशन मत दो। पहले से एक शादी से घर में बवाल हो गया। मेरी शादी हो गई ना तो मेरी शादी। बस स्टॉप, आने दो, फिर पूछता हूँ कौन हो, क्या करती हो, कहाँ से हो, मेरे बारे में क्या जानती हो जो मुझसे शादी करोगी। कांपने लगेगी। हे, हमारी शादी के बारे में क्या सोचा है? फ्राइडे को कॉलेज में छुट्टी है, उस दिन कर लेना। अरे रुक ना, आ रही हूँ। अरे बस रुक जाएगी। सुबह सुबह पी के आई हो क्या? चलो। अच्छा अपना नंबर दो, शाम को कॉल करती हूँ। जल्दी चलो। 9885027684। ओके ओके बाय। सुनो मेरे कॉल का इंतजार करना। हाँ कब करोगी? टावर के नीचे बैठने से कभी सिग्नल नहीं मिलता मुन्ना, कहीं ऐसा ना हो कि तू भी इस टावर की तरह टंग जाए उसके प्यार में। ए मोटे, मेरा सिग्नल मत काट, हट जा। ए चश्मेश, मुन्ना बोल रहा है तो हटना, दिखता नहीं अपना मजनू सिग्नल के लिए तड़प रहा है। आओ सिग्नल महाराज, इस नए प्रेमी का भला कर जाओ। ऐसी बात मत करो मेरी जान, कम से कम तुम तो मुझे समझो। मैंने फोन बंद नहीं किया था, अपने आप हो गया था। नया फोन लेती सबसे पहले तुम्हें कॉल करूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। नीलू, नीलू क्या हुआ मैडम? एक्चुअली पूजा के लिए फूल लेने थे, मैं तो भूल ही गई। मुझे पैसे दे दीजिए, मैं ले आता हूँ। तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, वैसे भी ये काम ऑफिस का नहीं है, तुम जाओ। ऐसी कोई बात नहीं मैडम, मैं ले आता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ। मेरा देवर है ना, मुन्ना ले आएगा। ओके मैडम, ये लीजिए फाइल्स। हेलो पल्लवी। पल्लवी कौन? तुम जिसके फोन का इंतजार कर रहे हो वो पल्लवी। अच्छा, मुझमें ऐसा क्या देखा जो देखते ही प्रपोज कर दिया? पहली बार जब तुम्हें देखा तो प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। वो तो सिर्फ लड़कों को होता है। हे, सिर्फ तुम लड़कों को हो सकता है, हम लड़कियों को क्यों नहीं हो सकता? जितना सोचता हूँ उससे दो कदम आगे ही निकलती है। अच्छा तुम रहती कहाँ हो? यंग वुमेन्स हॉस्टल रूम नंबर 114 मरीन लाइंस पोस्ट ऑफिस के पीछे। विश्वास कैसे करूं? विश्वास दिलाने के लिए क्या करना होगा? अभी तुम्हारे हॉस्टल आता हूँ, मिलो। क्या कहा अभी? 7 बजे के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं है, मैं नहीं आ सकती। झूठों के पास बहाना तैयार होता है। झूठ नहीं कह रही, सच में। 10 मिनट में तुम्हारे हॉस्टल पहुँच रहा हूँ, सी यू। अरे अरे मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती, सुनो तो। हेलो अकड़ू कहीं का। ये तो सच में आ गई। मैं सच कह रही थी ना, अब तो विश्वास करते हो? तो और क्या करना पड़ेगा? सुपर वुमन की तरह जंप मार के वापस जाओ। मैं इतनी सज धज के आई हूँ और तुम मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हो? चलो चल हट, मैं इस शहर को जानता भी नहीं। अरे तो मैं हूँ ना, चलो। नहीं यार नहीं हो, कहाँ गई? जल्दी चलो। अरे चलो ना वरना हमारी वार्डन आ जाएगी। बस बस यही रोक दो, आओ बैठो ना। ये सब सच है ना? ऐसा ना हो कि अचानक नींद खुल जाए और ये एक सपना निकले। मैं सपना नहीं हकीकत हूं। अच्छा
पास आने कहूंगा तो आओगी? और पास आने कहूं तो? अगर मैं किस करूंगा तो चलेगा क्या? पक्का करूंगा? पक्का ना? एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा या मैं ऐसा कुछ करूंगा, तो घबराहट में अच्छे से किस नहीं कर पाया। अगर एक और चांस मिले तो मैं अच्छे से प्रॉपरली। इतना मत सोचो, किस कर लो। मेरा बेटा शिवा, जब वो 12 साल का था क्रिकेट के मैच में हार जाने की वजह से उसने अपने दोस्त को बैट से पीट कर मार डाला। उसके बाद उसे चिल्ड्रंस होम में भेज दिया गया। छह साल की सजा काटने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वो आज भी वैसे ही कपड़े पहनता है। घर में इतनी गाड़ियां हैं, फिर भी मिनी बस में ट्रेवल करता है। समझ नहीं आता वो क्या सोचता है, वो क्या बन गया है, आखिर वो चाहता क्या है। उसकी माँ होने के बावजूद मैं समझ नहीं पा रही कि उसके दिल में आखिर क्या है। जीतने के लिए वो किसी का भी कत्ल कर सकता है। अगर जीत के लिए उसके अंदर ऐसी ही तड़प रही तो आप ही बताइए वो एक सुखी जीवन कैसे जी पाएगा। गुरुजी, मैं डरती हूँ उसका यह जुनून उसे बर्बाद न कर दे। आप मेरी मदद कीजिए गुरुजी। जब हमारी इच्छाएं स्वार्थ से परे हो जाती हैं तो ब्रह्मांड सारी शक्तियां मिलकर उसे पूरा करती हैं। एक माँ होने के नाते तुम्हारी कामना भी निस्वार्थ और ये जरूर पूरी होगी। तुम्हें बस थोड़ा धीरज से काम लेना होगा।